अरे भाई एग्जिट पोल का लड्डू खाने दीजिए उनको, जीत की असली जो रिजल्ट होगा वो अखिलेश जी लड्डू खाएंगे, क्या चिंता कर। चलिए बीजेपी कह रही है कि दल जो लगातार आवाज उठा रहे थे उनको जवाब जो है एग्जिट पोल ने दिया है, नतीजे आएंगे तो और भी उनको जवाब मिलेगा, वक्त आने दीजिए। यानी बीजेपी मानती है बिहार में जब एग्जिट पोल आया था तो हमारी सरकार बनना तय था और हमारी सरकार तो बनी गई थी, ये तो चोर दरवाजे से आए थे। बिहार में जब चुनाव हुआ था तो एग्जिट पोल रिजल्ट क्या दिखा रहा था, किसकी सरकार बता रहे थे। तो ये बीजेपी के लोग सब लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि यूपी में लोग जो है सावधान रहे, एग्जिट पोल की बात नहीं। यहाँ अगर आप बात करें तो जनता ने रिजल्ट जो है वो दे दिया है, अब बस औपचारिकता है। हुजूम जो हम लोगों ने देखा, जो लोगों में आक्रोश देखा सरकार के, ये साफ संदेश था कि योगी जी की सरकार जाने वाली है, भाजपा जाने वाली है और अखिलेश जो है वो आने वाले हैं। और वही नहीं, गोवा में कांग्रेस की जहां तक हमको लगता है सरकार आएगी, उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार आएगी, पंजाब में हो सकता है कड़ा मुकाबला हो, लेकिन कहीं भी बीजेपी जो है वो नजर जो है आ रही है। और अगर काउंटिंग में थोड़ी जो है सावधानी रखने की जरूरत है, हर एक चीज जो है लोगों को नजर डालने की। बिहार में भी हम लोगों ने काउंटिंग में देखा था कई ऐसे 10-12 सीटें हैं जो आज हमारे विधायक होते वो कोर्ट गए हुए, जहां वोटेज इतनी पड़ी उससे ज्यादा वोट निकल करके आ गया। कई जगह घोषणा के बाद भी जो है किसी और को सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो इस तरह की अगर व्यवस्था होगी तो लोगों को वहां नजर डालने की जरूरत है। और हम तो ये कहेंगे जब तक आखिरी वोट काउंट नहीं हो जाता, लोग जो है निश्चिंत जो है एकदम ना हो आखिरी वोट तक। ये आप कहना चाह रहे हैं कि बिहार से सीख ले उत्तर प्रदेश? नहीं नहीं सर, क्योंकि जिस तरीके से जो आप कह रहे हैं, यहाँ तो चोर दरवाजे की सरकार है ना, इसलिए हम लोगों ने कहा है, इसलिए तो हम लोग जो है तकरीबन 11 जो हमारे उम्मीदवार या 12 प्रत्याशी जो थे वो कोर्ट के दरवाजा खटखटाया है विथ एविडेंस। तो वहां सावधानी जो है लोग जो है बरतने का काम करें, लेकिन जो जनता का जो आक्रोश देखने को मिला ये बीजेपी के खिलाफ है। एक सेलिब्रेशन का माहौल है बीजेपी में यूपी को लेकर, वहां के जो बीजेपी के नेता वो उनका जनता से कोई लेना देना है, उनका बस अपना ही सेलिब्रेशन, कोई ना कोई वजह ढूंढती रहती है सेलिब्रेट करने का। लेकिन यूपी में तो विदाई तय है,